हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अलॉटमेंट लेटर रिलीज कर दिया है। जिन बच्चों को एडमिशन मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो यार बहुत ही दुख है मुझे, बहुत ही बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन बन रही यार, इतना ऐसा ऐसा कट ऑफ गया है कि क्या कह सकता हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, तो यार थोड़ा अपने पास पानी वगैरह लेके बैठे, जब भी अपनी रैंक लिस्ट जारी कर जो जो है आपको जब चेक करनी है तो देखिए अपन चलते हैं। भाई साहब, माय गॉड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक की मेरिट लिस्ट जारी हुई है भाई। EWS कैंडिडेट है, 212 नंबर पे एडमिशन मिला इसको। ठीक है, तो यार ईई के अंदर भी भाई 212 पे छूटा है। ओके, तो यू आर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, सबसे पहले उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यू आर मेरिट लिस्ट मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व मतलब जो ओबीसी एससी एसटी है ये तो रिजर्व कैटेगरी आती है। ठीक है, और जो अनरिजर्व के अंदर है जो जनरल है, ओके स्टूडेंट, तो उनको अनरिजर्व के अंदर दिया गया। 24 एडमिशन हुआ है और इसके अंदर लास्ट 175 नंबर पे हुआ है। पीडब्ल्यूडी वालों को अपन कंसिडर नहीं करते हैं कि ये तो फ्यू अमाउंट होते हैं। ओके, देन माई गॉड, ओबीसी के अंदर लास्ट का टॉप 175 पे गया है। ओके, ये अनुराग भैया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ओके, और जस्ट नीचे की ओर बढ़ते हैं, ये जो 156 पे क्लोज हुआ है यार, ये माई गॉड। एससी की भी भाई 170 पे स्टार्ट हुआ है और जस्ट 132 पे खत्म हो गया। ठीक है, और एसटी की अगर अपन बात करें, 118 से स्टार्ट हुआ है और 98 पे खत्म हो गया। और ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट टोटल सीट्स के 174 से स्टार्ट हुआ है और 159 पे खत्म हो गया। और यार ये फर्स्ट जो है लिस्ट खत्म हो गई है। अब स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि यार सेकंड लिस्ट आएगी, अपना सेकंड में हो जाएगा। जो भी सीट्स थी ऑलमोस्ट सारी की सारी फर्स्ट अलॉटमेंट के अंदर ही फिल हो जाती है। सेकंड के अंदर फ्यू चांसेस होते हैं, एटलीस्ट अगर 200 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ का ही नगण्य अगर अपन बांध सकते हैं, 2-3% बच्चों का सेकंड के अंदर होता है। क्योंकि यार जो ये है ना, एटलीस्ट कितने बच्चे छोड़ेंगे इसमें से सीट, जैसे यहाँ पे कितने बच्चों का हुआ, अगर अपन टोटली करें तो 24 का ऊपर हो गया, फिर ये कितना हो गया, 16 और हो गया। ठीक है, तो 24 और 10 34, 34 और 6 40 हो गया। ओके, और ये एससी वाले 9 हो गए, 49 हो गया। ठीक है, 49 और 5 ये और हो गए। ठीक है, तो 54 54, अच्छा ये 60 बच्चों का हो गया। 60 में से ज्यादा कितने बच्चे छोड़ सकते हैं सीट, 10 बच्चे छोड़ेंगे तो 10 का ही हो पाएगा ना। तो बच्चे मतलब आई होप, मेरा कहने का मतलब ये है सिंपली कि आप जिसके ऊपर बेस ना रहे, अगर आपके परसेंटाइल ठीक ठाक है तो चलेगा, वरना आप अपना कोई अच्छा कॉलेज आसपास कोई सिक्योर करें, जो सा सीए से भी प्राइवेट गवर्नमेंट, यार जिसको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, वो मेरे पास एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है PSAEC पटियाला। और यार ये दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट एंड दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस इन पटियाला केंट। ओके, इंडिया का पटियाला मिलिट्री बेस, बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है यहाँ। और एरोस्पेस एरोनॉटिकल में किसी का अगर इंटरेस्ट हो तो वो डायरेक्टली यहाँ पे ले सकता है एडमिशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट यार। ऐसा कैंपस के अंदर आई थिंक इंडिया का पहला या दूसरा ही कॉलेज होगा जहाँ पे आपकी पुलिस वगैरह की सारी सिक्योरिटी मिलती हो। ओके, तो तुम्हारे ऊपर कोई बॉम्ब वगैरह कोई ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को सिक्योरिटी वगैरह की आवश्यकता हो, पढ़ना वगैरह हो, तो ले सकता है यार। BBA भी कर सकता है, इन एविनेशन सेक्टर बहुत अच्छा स्कोप है। ओके, स्कोप बहुत ज्यादा है एविनेशन। ठीक है, एयरलाइंस इंडस्ट्री में जैसे आप एरोप्लेन वगैरह में रह सकते हो। ओके, और BMS भी कर सकते हो। ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट जो CUCT का बहुत अच्छा कोर्स होता है, ये PSAC पटियाला में। ओके, बहुत लो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की यार, तो किसी का अगर इंटरेस्ट हो तो आप जस्ट विजिट कर सकते हैं PSAEC.ac.in। अभी भी कुछ सीट्स वेकेंट है। ठीक है, दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप डायरेक्टली ईमेल से नीचे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। यार CUCT के अंदर लिमिटेड सीट है, अगर आप कुछ करते भी हैं डायरेक्ट राउंड के अंदर फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा।
तो भी सारी की सारी सीट है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जिन्होंने फर्स्ट राउंड में हो गया उनका हो गया, ठीक है। अब कोई छोड़ता नहीं है, फ्यू अमाउंट बच्चे छोड़ते हैं, किसी फीस पे नहीं कर पाते कुछ बच्चे, कुछ का डॉक्यूमेंट इश्यू के कारण वो डायरेक्टली अपने आप ही छूट जाती है, वरना कोई छोड़ता नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी सीट्स। ओके, ऑलमोस्ट सारी सीटें भर गई है। अब ये बच्चे इनमें से कोई दो चार पाँच अगर सीट छोड़ देते हैं तो फिर से सेकेंड राउंड कंडक्ट होगा, अगर नहीं छोड़ते हैं तो मतलब सेकेंड राउंड तो होगा ही। एक दो तो पाई जाती हैं ऐसी पुरानी जो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, छोड़ना चाहिए। ओके, तो ये सीट खाली बचेगी, फिर अपन चर्चा करेंगे जैसे ही राउंड सेकेंड स्टार्ट होता है। सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि चांसेस बहुत कम है, 60 सीटें हैं तो 60 सीटें भर गई है। अब इनमें से कोई अगर छोड़ता है, किसका अगर कैंसिल होता है तो वो वाला सीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यार और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, चिंता ना करें, तुम्हारा हो जाएगा आई होप। ओके स्टूडेंट, और अगर किसी को चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, चाहिए ही चाहिए मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो आपके लिए उसके लिए गूगल पे होना चाहिए, फोन पे होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए, या फिर योनो SBI, या फिर अपना बैंक वगैरह में कुछ कनेक्शन हो तो वो नीचे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। छोटा मोटा कनेक्शन होना चाहिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक के साथ, ठीक है। तो वो बच्चे नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।